तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और कुछ घर पर क्रिएटिव कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं एक मास आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं इंफ्रारेड सेंसर के ऊपर, ताकि आप लोग घर पर बैठे बैठे कुछ नया सीख सकें। और एक हमारी वीडियो पहले आ चुकी है अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इंफ्रारेड सेंसर है मोस्ट कॉमनली यूज सेंसर आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट्स का। इसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं, जैसे कलर डिटेक्शन, मोशन बेस डिटेक्शन, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और व्हील इनकोडर वगैरह। तो गाइस, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपकी मेमोरी को एक बार रिफ्रेश करवा देता हूँ कि इंफ्रारेड वेव्स की रेंज 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। तो इसी वजह से हम इंफ्रारेड लाइट को जो है अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, लेकिन इसको किसी भी कैमरे की मदद से देखा जा सकता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल नाइट विजन कैमरे में भी होता है। तो गाइस, IR यानी कि इंफ्रारेड सेंसर, ये जो है एनवायरनमेंट के इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, और इसी इंफ्रारेड सेंसर के अंदर एक IC ओपैम्प होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि एक वोल्टेज कंपैरेटर की तरह काम करता है। और इसी में जो है ये डिटेक्टेड रेडिएशन को जो है चेंज इन वोल्टेज के टर्म में एक्सप्रेस कर देता है। तो गाइस, इंफ्रारेड सेंसर किसी भी हीट एमिटिंग ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकता है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 5 केल्विन से ज़्यादा होगा या फिर -268 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, तो ये उन ऑब्जेक्ट्स को बहुत आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकता है। तो गाइस, इंफ्रारेड सेंसर वो दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर और दूसरा पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये जो हमारी वीडियो है ये एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर के ऊपर है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर के ऊपर हमारी वीडियो आने वाली है इसके बाद। तो आप सब लोग उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलते रहें। तो गाइस, चलिए जानते हैं एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर के बारे में। एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक LED है, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि इंफ्रारेड एमिटर का काम करता है, और दूसरा फोटो डायोड यानी इंफ्रारेड रिसीवर होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड सेंसर के क्लोज आता है, तो इंफ्रारेड सेंसर के अंदर से प्रोड्यूस हुआ इंफ्रारेड लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि उसके अंदर जो रिसीवर होता है वो उसको रिसीव कर लेता है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाता है। तो गाइस, इंफ्रारेड सेंसर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये एम्बिएंट लाइट, यानी कि जो सराउंडिंग की लाइट होती है, उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए इसके सूटेबल यूज़ के लिए इसको कवर कर देना चाहिए, ताकि एम्बिएंट लाइट का इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो और ज़्यादा एरर ना आए। तो गाइस, ये जो तीसरा कंपोनेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पोटेंशियोमीटर है, जो कि इंफ्रारेड सेंसर की फाइन कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो गाइस, इन सब रीज़न की वजह से आप इंफ्रारेड सेंसर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम में। तो गाइस, जानते हैं अब इंफ्रारेड सेंसर की स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट DC होता है, इसका वर्किंग करंट 20 mA होता है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। तो गाइस, इंफ्रारेड सेंसर का पिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होता है। इसके अंदर 3 पिंस होती हैं, आपको जो है ज़्यादातर 3 ही पिंस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके अंदर 4 पिंस भी होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला पिन है VCC यानी पावर सप्लाई इनपुट पिन, दूसरा GND यानी ग्राउंड पिन, तीसरा आउटपुट पिन यानी जिसे आप किसी भी आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो चौथा वाला होता है एनालॉग आउटपुट पिन,
जिसे आप किसी भी Arduino के एनालॉग पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इसका मतलब यह है कि हम इंफ्रारेड सेंसर को दो इंटरफेसिंग मोड में यूज़ कर सकते हैं। पहला है डिजिटल इंटरफेसिंग मोड में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एनालॉग इंटरफेसिंग मोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने पहले आपको बता चुके हैं कि आपको जो है ज़्यादातर 3 पिन वाले ही इंफ्रारेड सेंसर मिलेंगे, जिसको हम सिर्फ डिजिटल इंटरफेसिंग मोड में ही यूज़ कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड सेंसर को यूज़ करने के लिए आपको जो है VCC पिन को Arduino के 5 वोल्ट वाले पिन से ज्वाइन कर देना है, एंड GND पिन को Arduino के GND पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा, और आउटपुट पिन को किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने आउटपुट पिन को Arduino के डिजिटल पिन 2 से कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस, हमने इंफ्रारेड सेंसर के कोड को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप वहां पर जाकर Arduino ID से उसको ओपन कर सकते हैं और उसको कंपाइल कर सकते हैं, यानी हैंड्स ऑन कर सकते हैं। तो गाइस, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट तो ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमें ही पता चल सकेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके बारे में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ज़रूर दबाएँ ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सेंसर्स के ऊपर आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं कंटिन्यू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। ऑब्स्टेकल डिटेक्शन इंफ्रारेड सेंसर है क्या? तो दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। Arduino यूनो का यूनो फुटलेज कंपेरेटिव। अबे हद है यार, प्यास लग रही है यार, पानी पीने पड़ेगा। ये दोबारा स्टार्ट करो। एक्सप्रेशन लेके आऊँ? वो नहीं आ रहा। मेरी एक बात सुन लीजिए।